चलो भाई करें शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमने चैप्टर नया स्टार्ट करना है। आ जाओ तो फिर अपने पास एक नए चैप्टर की हेडिंग डालते हैं। क्वेश्चन कर लिया आपने कैश बुक वाले? कैश बुक वाले क्वेश्चन करे घर जाके? नहीं करे या कल से खाली वेट बैठे हो सिर्फ तैयारी कर रहे थे? चलो चलो आज ना हम वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीए इंटर के कोर्स से निकालकर कहाँ डाला गया है, सीए फाउंडेशन के कोर्स में। और ये बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। हाँ, आपने इसका कुछ हिस्सा अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा था तो हो सकता है कि शायद आपको कोविड में पढ़ा है शायद 11th, तो फिर आपको आवाज़ नहीं आती थी उस वक्त में, तो इसलिए शायद ना भी पढ़ा हो आप लोगों ने। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने पास Accounts for incomplete records, single entry system, accounts for incomplete records, या फिर इसका एक और नाम क्या हो सकता है, single entry system। और जस्ट बिकॉज ये आपके सी ए इंटर में था तो मैं आपको पहले वहाँ का हाल दिखाऊं कि इसकी वहाँ क्या पोजीशन थी, इसकी क्या वैल्यू थी वहाँ पर। हटा दूं मैं इसे यहाँ से? सबने कर लिया? देखिएगा एक बार ध्यान से, पहले आपको इसका बचपन दिखाते हैं, इस चैप्टर का बचपन क्या है। ये देखिए, ये सीए इंटर की मार्क्स समरी है जब से सीए इंटर मई 18 से लॉन्च हुआ था। उसके बाद से देख रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा लिखा हुआ है इसके अंदर, कि वहां पर मेरी बुक का चैप्टर नंबर 6 था। और एग्जाम में चेक करो, देखो पहली बार नहीं आया, फिर 15, 12, फिर नहीं आया, फिर ये वाला अटेम्प्ट अगला कैंसिल हुआ था, और उसके बाद की कहानी 10, 10, 10, 5, 12, 10 और 10। एवरेज जो थी इसकी 8 मार्क्स, मतलब हम मानते थे कि भाई 8 मार्क्स तक का एवरेज होता है, लेकिन जनरली हर बार क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो किसका लग रहा है आपको। और जो अभी ये लास्ट अटेम्प्ट हुआ था ना सीए इंटर का ओल्ड कोर्स के अंदर भी, वहां पर भी कितने मार्क्स में आया था, 10 मार्क्स में आया था। तो इसका मतलब वहां पर 10 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर कितने मार्क्स में आएगा? हमारे यहाँ मोस्टली क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं, 10 मार्क्स में आते हैं, 15 या 20 में आते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वेटेज कितनी थी, यानी कि एक ही बार क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया, अदरवाइज नॉर्मल है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंटर में यहाँ पर नया नहीं था, इससे पहले ये कहाँ पर हुआ करता था, आईपीसीसी मतलब सीए इंटर का ओल्ड वर्जन, और वहां पर इसका क्वेश्चन 20-20 मार्क्स में भी आए हुए हैं। लेकिन आपके लिए क्या रखा गया सीए फाउंडेशन के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर इसके अंदर बातें की गई, मतलब समझ लीजिए अगर 3 लेवल होते हैं ना तो ये 1, 1.5 बस डेढ़ लेवल तक गए हैं, उससे ऊपर नहीं गए। लेकिन मैंने क्वेश्चन ना बुक में रखे हुए हैं, मैं अगर आपको आपकी बुक में देखो चैप्टर है ये वाला, आप निकालो एक बार। चैप्टर 9 देख रहे हो आप? देखो कौन कितने क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये 50 क्वेश्चन रखने का सिर्फ मोटिव ये है कि भाई मुझे ना आपको इसमें से जो आईसीआई का नया है स्टडी मैट वाली बात वो, और प्लस जो आईसीआई के कौन से क्वेश्चंस हैं एग्जाम क्वेश्चंस वो जरूर कराने हैं। कॉन्सेप्ट तो आज हमारा फर्स्ट क्लास में ही हो जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ एक दो चीजों पे फोकस करेंगे, जो एक आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चन है, क्योंकि जब नया कोर्स आता है तो आईसीआई के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आता है।
प्राइसिया के मॉड्यूल के अंदर टोटल मिलाकर आपको अगर दिखा दूं मैं, क्योंकि मैंने आपको 50 दिखा दिए, आपको 50 जस्टिफाई लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि आईसीआई कितना चाहता है इस चैप्टर से, आपको वो भी आइडिया हो कि हम उसके ज्यादा कर रहे हैं उससे कम कर रहे हैं। ये देखिए आईसीआई के हिसाब से अगर हम चलें तो इनके ये देखो ये कौन सा एसोसिएशन है आपके सामने, 10th ये खत्म, कितने एसोसिएशन सिर्फ 10, और उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड थर्ड खत्म, इनके पास कितने हैं सिर्फ, तो वो 13 के 13 उस ओल्ड बुक में ऑलरेडी हैं, क्योंकि सीए इंटर के टाइम पे भी इसमें इतने ही थे, बट हम अपने पास जितना भी कंटेंट हो सकता था जितने बार भी क्वेश्चन एग्जाम में आया वो डाला हुआ है। अब ये 13 करने बहुत जरूरी है, लेकिन इन 13 के अंदर ना एक क्वेश्चन ऐसा है जो लेवल को बढ़ा देता है, तो उसका मतलब हमें उस लेवल को भी टिक करना पड़ेगा, हम उस लेवल को छोड़ नहीं सकते। एग्जामिनर मुश्किल पूछेगा आसान पूछेगा ये आपके लिए आज ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा और हमारे लिए चैप्टर आसान बन जाएगा। दो टॉपिक कवर होते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आपने एक्चुअली 11th क्लास में पढ़ा था, और दूसरा एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो हम आज यहाँ पे शुरू करेंगे। मैं आज वही टॉपिक शुरू करूंगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, मैं बिल्कुल नया चीज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आज, बट हाँ उसकी बेसिक चीजें आप जानते हैं, तो उसकी बेसिक चीजों के साथ शुरू करते हैं। तो अपने पास एक बात बताओ, इसके नाम से क्या लगता है आपको, मैं इसकी एक्सपेक्टेशन 5 से 10 मार्क्स की रख रहा हूँ, अभी भी 10 मार्क्स तक का ही मैक्सिमम बन पाएगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन आप इसके नाम से क्या समझते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं, कौन से रिकॉर्ड्स सोचिए, हमें इस चैप्टर में क्या बनाना है ये समझ में आना चाहिए। जनरली आप सबके साथ ये वर्ड में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और मैंने ये शुरुआत से डिस्कस इसलिए किया क्योंकि पूरा कोर्स ही इसके ऊपर आगे पीछे घूमता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप क्या क्या करते थे बताना मुझे एक बारी, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्या किया, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी किया, उसके बाद जर्नल बनाया था ना, कहां जर्नल बनाने के लिए क्या किया था, रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद क्लासिफाइंग किया था, क्लासिफाइंग करने के लिए लेजर बनाए थे, उसके बाद समराइजिंग की थी, क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस, फिर समराइजिंग के ट्रायल बैलेंस से क्या बनाए थे, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या बनाया आपने, ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, और उसके अलावा दो और स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके अलावा फाइनली कम्युनिकेशन टू यूजर्स। अच्छा ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्या करते थे आप लोग, मुझे याद दिलाओ, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त डेबिट और क्रेडिट हो गया, उसमें क्या क्या आया करते थे, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, यही 5 चीजें थी आपके पास। इन 5 चीजों के अलावा नीचे क्या थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, प्रीपेड, सब कुछ वगैरह इस तरह से दिया हुआ था, और इसी को आप कौन कौन से अकाउंट में दिखा दिया करते थे, क्या क्या बनाया आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, यही किया ना आप लोगों ने, मुझे याद दिलाना थोड़ा सा, इसकी पोस्टिंग कितनी जगह करते थे, एक जगह, इसकी पोस्टिंग एक जगह क्यों हो रही है, क्योंकि वो अपना अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करके आया है। अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करने का मतलब उसका जर्नल भी बन गया है, लेजर भी बन गए हैं, और उसके ट्रायल बैलेंस में हर एक बात कंप्लीट है, और अगर कोई बात यहां गिवन है तो इसका मतलब उसने अभी तक अपना अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा
नहीं किया है। अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करने का मतलब ना इसका जर्नल बना है, ना लेजर, ना ये ट्रायल बैलेंस में है। और हम इसको करने के लिए क्या करते थे, एक जगह या दो जगह, दो जगह इंपैक्ट डालते थे। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग एक जगह, एडजस्टमेंट की पोस्टिंग, ये रूल था हमारा। अब हमारा रूल ये है कि हमें ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, बस सिर्फ ओनली एडिशनल इंफॉर्मेशन। और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यही तीनों अकाउंट बनाने हैं। कौन से बनाना है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। बस फर्क क्या है, आप क्या चीज गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं, यानी कि पूरा ही क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसीलिए क्या बोला गया, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाम से समझ में आता है क्यों हमें ये नाम क्यों रखा गया होगा, क्योंकि जनरली कई बार देखो क्या होता है, मैं आपको समझा दूं ये किसके लिए है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। क्या कोई बिजनेस करते हुए अपने अकाउंट्स बनाता होगा? नहीं बनाता होगा। कौन बनाता होगा सोचिए, सोच के देखिए। आपके घर के आसपास कोई गली दुक्कड़ पे कोई ना कोई एक दुकानदार बैठा होगा, लाला जी, गुप्ता जी, ज्यादातर बिजनेसमैन बहुत होते हैं गुप्ताज में। आपके भी किसी के पेरेंट्स का कोई ना कोई बिजनेस होगा। तो जब ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंचता है तो लोग अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू करते हैं। जब वो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई पूछ नहीं रहा इस बात के लिए कि अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए, तो वो ठीक है जी काम चल रहा है। कैसे काम चल रहा है? सुबह आए, गल्ले से गिलने में कितने पैसे आए, गल्ले से कितने पैसे गए, बस यही पता होता है। आप जितने भी स्मॉल वेंडर्स को देखोगे ना तो क्या बोलते हैं, शाम की कमाई क्या है, जितना गल्ले में कैश पड़ा है बस। अगर उसमें से वो पेमेंट चली गई तो कहते हैं जी हमने कुछ आज इतना ही कमाया। लेट्स मान लो पूरे दिन गल्ले में अंदर 5000 रुपए आए, 4000 चले भी गए तो कितने बचे, तो आज की कमाई कितनी है जी 1000 रुपए। लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? ये तरीका होता है सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, जहां पर आप अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। आप सिर्फ किसकी बात करते हो, पैसा आ रहा है और पैसा जो बच गया वो प्रॉफिट। लेकिन ये तरीका गलत है, इसमें आपने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जब उनको अपने अकाउंट्स उस इनकम्प्लीट सिस्टम से कंप्लीट सिस्टम में डालने होते हैं तो वो ये तरीका फॉलो करवाते हैं। या फिर किसी के बिजनेस के अकाउंट्स मिसप्लेस हो जाएं, खराब हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ये जरूरत पड़ती है आपको इनकी। अदरवाइज जनरली आजकल हर कोई क्या करता है, अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्री करेगा, लेजर करेगा, बनाएगा और देन ट्रायल बैलेंस बनाएगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। लेकिन जो अकाउंट नहीं बनाता है उसे पहली बार बनाने पड़ेंगे तो ऐसे बनेंगे, या फिर किसी के डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो ऐसे बनेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन का इनकम्प्लीट होगी उसके पास। और इन्हीं चीजों को सीखने के लिए हमें अपने पास दो टॉपिक्स को कवर करना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक का नाम मैं बताऊंगा आपको, दो टॉपिक हैं। पहला जो आपने अभी मैंने आपको बताया क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बाय यूजिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन होगी बेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और दूसरा एक और चीज क्या निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये दूसरा वाला आपने पढ़ा हुआ है। इस दूसरे वाले का क्वेश्चन जनरली सीए के इंटर के एग्जाम में 5 से लेकर 10 मार्क्स तक आया है। और जो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला आप देख रहे हैं, ये जनरली कितने से कितने मार्क्स में आ रखा है, 10 से 15 बहुत टाइम पहले आया था, जनरली 10 मार्क्स में पूछा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही 10 मार्क्स अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मैंने आईसीआई वाले ही 12-13 क्वेश्चन रखने थे, टेंशन खत्म हो जाती, काम जल्दी खत्म होता मेरा भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्जाम में 10 मार्क्स में लास्ट भी पूछा गया है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको आना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है आईसीआई सेम क्वेश्चन उठाएगा और आपके एग्जाम में डाल देगा। तो इसलिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल
इनफ नहीं है उन चैप्टर्स के लिए जो चैप्टर इंटर से निकल के फाउंडेशन में आते हैं। जब भी कोई चैप्टर इंटर से निकल के फाउंडेशन में आया ना, आईसीआई ने एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे इंटर लेवल वाले फाउंडेशन के अंदर, इसीलिए 50 क्वेश्चन रखने पड़े। इसके अंदर से कौन सा आपको मैं मना करूंगा, जो बहुत हाई लेवल है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डट तैयार हूं, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम लेवल जाएगा। मतलब क्वेश्चन में आपको दिखाऊं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिन्हें करने में कम से कम पौना घंटा लगेगा। अब पौना घंटा 15 मार्क्स में लगाना फिजिबल नहीं होता, टाइम ज्यादा चल लगता है, टाइम दूसरे क्वेश्चन का खराब होता है, कुछ इस तरह से करके। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। जैसे आज अभी क्वेश्चन शुरू होंगे ना, इसके रिगार्डिंग आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको कि ये क्वेश्चन टाइम लगता है। तो कब का क्वेश्चन है ये वाला? Although इंटर 18 का है, मैंने कहा ना पहले भी थे, आईपीसीसी में भी था, तो मई 15 वाला क्वेश्चन भी आपको करने के लिए मिलेगा, उससे भी पुराने क्वेश्चन आपके एग्जाम के इसके अंदर मिल सकते हैं आपको। ये देखिए, आप पैदा भी शायद नहीं हुए ना, 2000 की कंडीशन क्यों होंगे ना आप सब, तो 2002 3 5 5 में तो मैं 12th पास कर रहा था तो काफी चीजें हैं यहाँ पर। चलिए तो अब हम आगे की बात करेंगे, लेकिन आप पहले क्या नोट करेंगे, ऊपर वाला नोट करना, ये वाला ये कर लीजिए, यहाँ से नोट करना शुरू कर दीजिए, फिर मैं कुछ और बेसिक बातें इसके रिगार्डिंग बताऊंगा आपको और फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करिए सब।
यहाँ तक कंप्लीट सबका बेटा। गन बेटा कर दे शुरू। करें आगे, चलिए अब यहां देखिए बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और बेटा फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हो आप, ये लीजिए अपने पास ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ में। और तो हमने बहुत बनाया ये फॉर्मेट लेकिन आज इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कैसे बनता है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च लेट्स से 24 से बना लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। मैं आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं है इस अकाउंट में, मुश्किल से 7 से 8 लाइनें काफ़ी हैं आपके लिए, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा काम पहले सीखा हुआ है। इसमें क्या क्या आते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या आती थी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और इसके बाद सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें दोबारा से वो सारे एक्सपेंसेस नहीं लिख रहा, हमने लिखे हुए हैं पहले सब चीजें। इधर आ जाए तो सेल्स माइनस क्या, सेल्स रिटर्न, और सीधा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, पीएनएल अकाउंट के अंदर, उसी के नीचे यहां पर क्या लिखा आ जाएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कौन से अकाउंट से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से। और इधर अब डेबिट साइड में क्या आएगा, कौन से खर्चे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और नीचे क्रेडिट साइड में एक और चीज क्या आएगी, इनडायरेक्ट इनकम। एंड देन फाइनली इधर जो बच जाएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, जो कि कहां ट्रांसफर करते हैं आप, कैपिटल में। और ये अकाउंट भी आपका हो गया क्लोज। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट, सबने लिख लिया यहां तक का। अभी एक और चीज क्या बननी बाकी रह गई, बैलेंस शीट। बताओ शुरू करें। लीजिए अब एक और चीज हमें बनानी है, क्या बैलेंस शीट ये बनेगी बेटा एज ऑन 31 मार्च 2024 और इस बैलेंस शीट में बेटा क्या क्या लिखा जाएगा, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बेटा एसेट्स में यहां पर जो भी फिक्स एसेट होंगे, एग्जांपल के लिए मैं नाम ही लिख देता हूं, मशीनरी, इनर कॉलम में रखेंगे ताकि उस पर क्या लगा सकें, डेप्रिसिएशन। अब बाकी सारे एसेट्स की बात हो गई यहां पर, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, डेटर्स पे क्या लग सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। बाकी तो सब चीजें हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, आपका स्टॉक आ सकता है, कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। ये एग्जांपल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जांपल लिखे हैं। और अगर इधर आ जाए तो कैपिटल रहेगा इनर कॉलम में, इसमें प्लस कर सकते हो आप एडिशनल कैपिटल, प्लस कर सकते हो आप नेट प्रॉफिट, माइनस कर सकते हो आप ड्रॉइंग्स, माइनस कर सकते हो आप नेट लॉस, और एक और चीज लिखवाना चाहूंगा, इनकम टैक्स, वो भी ड्रॉइंग की तरह ही होता है। उसके अलावा आपने अगर कोई क्या बना रखे हो, रिजर्व्स, या फिर आपके क्या हो, लोन्स, या फिर आपकी करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बीपीपी सब आ गए, मुझे वो आपको सिखाने की जरूरत है ही नहीं, वो आपको पता है। पहली चीजें मुझे तो सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट बनाकर दिखाना था।
यहां तक कंप्लीट, सबने लिख लिया यहां तक। लेकिन ये तीनों बनाने के लिए अब वो आसान वाला काम नहीं है, अब ट्रायल बैलेंस ही मिलेगा। अब क्या मिलेगा आपको, सब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब कुछ और चीजें भी बननी है। नीचे लिखिएगा टू प्रिपेयर अबव फाइनल अकाउंट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अकाउंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको पता क्या चाहिए होगी, आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग। अभी जो ऊपर बनी वो कौन सी बनी, क्लोजिंग। ये जो बैलेंस शीट अब बनेगी ये क्यों बन रही है, क्या निकालना चाहते हो ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग कैपिटल। जिन बच्चों ने एनपीओ पढ़ा है पहले कभी, तो एनपीओ में भी ओपनिंग बैलेंस शीट बना करती थी। हमने भी इस चैप्टर के बाद एनपीओ पढ़ना है, बट फिलहाल हम क्यों बना रहे हैं इसको, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज हम बनाएंगे अपने पास किसका अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट में क्या है बेटा, टू कैलकुलेट क्या क्या निकाल सकते हो आप फिक्स एसेट अकाउंट से, टू कैलकुलेट परचेज सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। एसेट के ऊपर परचेज सेल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, सेल के बाद कॉमा लगाना और फिर एसेट्स के आगे एक और चीज लिखना एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी निकलवा सकता है। थर्ड, आपको डेटर्स और डेटर्स से जुड़ा हुआ एक और अकाउंट, कौन सा अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल। टू कैलकुलेट, क्यों बना रहे हो आप बिल्स डेटर और बीआर, टू कैलकुलेट डेटर से क्या कौन सी सेल मिल सकती है, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकल सकता है। फोर्थ, डेटर क्रिएटर की तरह सिमिलरली एक और अकाउंट भी होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी के अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड बीपी के अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये किससे चाहिए बेटा हमें, इससे क्या निकाल पाओगे, क्रेडिट परचेजेस, कैश पेड एंड एक और चीज क्या सिमिलर, क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा आपको बनाना पड़ सकता है कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये आपको हेल्प करेंगे कैश सेल्स के लिए, कैश परचेजेस के लिए, कैश डिपॉजिट के लिए, कैश विड्रॉ के लिए, क्लोजिंग बैलेंस के लिए।
कुछ भी, कुछ क्वेश्चन कुछ भी निकलवा सकता है आपसे इन्फॉर्मेशन देकर। आपको एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अकाउंट भी बनाना होगा। एक्सपेंसेस का कौन सा बनाना होगा बेटा? आउटस्टैंडिंग वाला और प्रीपेड अकाउंट। इफ ऑल द डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर गिवन देन इट विल कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेगा आपके लिए? एक्सपेंसेस पेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये भी निकालने में आपको हेल्प करेगा। तो डेटर क्रेडिटर, कैश बैंक, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट ये कुछ 6 तरह के वर्किंग नोट्स आपके बनाए जाएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? लिखा सबने ये? डन, सब लिख चुके हैं। अच्छा, क्या आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना आता है? कौन सा अकाउंट? देखो बैलेंस शीट तो बन गई ऊपर, मैं सबसे पहले क्या लिखवाया था? बैलेंस शीट ऊपर बन चुकी है, सिमिलर बनेगी। फिक्स एसेट अकाउंट आता है आपको बनाना? क्या हमने बनाया था कोई फिक्स एसेट अकाउंट अब तक? किस चैप्टर में बनाया था? डेप्रिसिएशन में कौन सा बनाया था? मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, वैन अकाउंट, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, ट्रक अकाउंट। उसी अकाउंट में क्या क्या चीजें आपने लिखी थी, सिर्फ वो ही याद दिलानी है। फिक्स एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो बताइए कहां से शुरुआत करें उस अकाउंट की? अब देखो, आप जब ये काम करोगे ना, ये जो आपके सामने है इस वक्त पर, ये काम वर्किंग नोट में हो रहा होगा। वर्किंग नोट में प्रॉपर टी शेप बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल टी भी चलेगा, वर्किंग नोट चलता है, वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं। मेजर जो है वो आपका ये आंसर है, मेन पार्ट। इस मेन पार्ट को सही बनाना होगा और इस वाली चीज को आपने एक प्रॉपर टी शेप फॉर्म में बनाना होगा, नॉर्मल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए फिक्स एसेट, बताइए मुझे एक बार बेटा, फिक्स एसेट्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस टू में बाय में, टू में क्यों? डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो और बताओ, और क्या क्या हो सकता है? टू बैंक किसके लिए बोल रहे हो? जब परचेज करेंगे, परचेज करने में एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये लीजिए, यहां पर आपका परचेज आ गया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एंट्री बताओ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो और बताइए, सेल कर सकते हो, क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक से क्या आ गई? सेल भी आ गई। सेल करने में लॉस या प्रॉफिट भी हो सकता था, वो यहां से बाय लॉस ऑन सेल, और वो ट्रांसफर कहां पर होगा? पीएनएल में। और प्रॉफिट आ गया तो टू प्रॉफिट ऑन सेल,
वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल में। और उसके बाद यहां पर क्या बच जाएगा, बस आपको यही चीज दिखानी है मैंने, ताकि आप जब अकाउंट्स की बात प्रिपरेशन करें तो आपको पता हो कि क्या होता है। सिंपल, बनाते रहिए, साथ साथ बनाते रहिए, जल्दी से बना लो फिक्स्ड अकाउंट ये वाला। बताओ जी, बन गया आपका फिक्स्ड अकाउंट? और चेक करिए फिक्स एसेट के बाद अगला अकाउंट कौन सा था, डेटर्स एंड, डेटर्स के साथ अगला अकाउंट है बीआर का ना, तो पहले डेटर का बना देता हूं एक बारी। फिक्स्ड एसेट का बन गया सबका, तो बना रहे हो अभी, बना रहे हो, जल्दी बना लो। एंट्री क्या होती है रिपेयर्स टू मशीनरी के लिए, तो इसमें मशीनरी अकाउंट कहीं आया, तो आप सब एंट्री बेसिक्स ध्यान दो। अगर आपके एंट्री में कहीं कुछ चीज आ रही है तो गा डालो, इसलिए मैंने हमसे शुरू से बोला है कि आपको एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, परचेज करते एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू बैंक, मशीनरी डेबिट हो रहा है, जब आप रिपेयर कराते हो तो एंट्री होती है रिपेयर्स टू कैश, इसलिए आता ही नहीं है उसके अंदर। डन भाई, कर दूं आगे। अब डेटर्स अकाउंट देखो बेटा, फॉर्मेट वाइज फिर से वैसे ही, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बताइए, डेटर्स एसेट है लायबिलिटी है, और एसेट का बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद प्रोविजन। अब तो जो डेटर्स एसेट है ना, एसेट के ऊपर एसेट बढ़ेगा कब, जब और डेबिट होगा, एसेट कम होगा जब क्रेडिट हो जाएगा। तो अब डेटर के बढ़ने के और डेटर के कम होने के रीजन सोचो। क्रेडिट सेल्स, सबसे पहला रीजन बढ़ने का सेल्स, एंट्री बताइए डेटर टू सेल्स, तो कहां लिखू, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, क्या लिखू, टू सेल्स, ठीक है। आप सोचिए बाय परचेज एंट्री क्या बना रहे हो आप, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं, सोचिए डेटर के बढ़ने के और डेटर के कम होने के रीजन।
कैश टू डेटर क्या, किस चीज की एंट्री है भी बेटा? पैसे वापस नहीं, पैसे आने की, वापस थोड़ी, उधार थोड़ी दिया आपने, बाय कैश बैंक, बेसिकली आपने कलेक्शन कर लिया है। बैड डेट्स एंट्री क्या होती है बेटा? बैड डेट्स टू डेटर, क्योंकि आपने सब चीजें पढ़ी हैं, बस उनको अप्लाई नहीं करा है, आता है आपको, बताइए। नेक्स्ट बताइए, डिस्काउंट अलाउड, और बताओ, सब बढ़िया, जल्दी बताओ। प्रोविजन आएगा, एंट्री बताओ क्या होती है प्रोविजन की? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें कहीं डेटर आया? नहीं आएगा प्रोविजन। एंट्री सोचो, एंट्री आपने ये समझ लो फिर से ना बेसिक पे दोबारा पहुंच गए हो, ये आपका यहाँ से पार्ट टू शुरू हो गया, एक तरह से रिवीजन स्टार्ट हो गई यार बेसिक की दोबारा। अब आपको जिसको बेसिक जर्नल एंट्री अच्छे से आती है, ये चैप्टर बड़ा आसान है। अगर बेसिक एंट्री में दिक्कत आती है, आपने एंट्री गलत बोली, आपने पोस्टिंग भी गलत कर देनी है, पोस्टिंग गलत कर दी तो क्वेश्चन का पूरा फ्रेम गलत हो गया, और ये भी है एक पॉइंट गलत हो गया ना, पूरी चेन खराब हो जाएगी, समझो इस बात को। तो इसलिए जर्नल एंट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। बताइए अगली चीज और क्या हो सकती है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल थे ना कुछ, डेटर से बीआर मिल जाया करते थे, एंट्री क्या होती थी? बीआर टू डेटर, ये लीजिए, करो करो कोशिश करो, बताओ क्रेडिटर्स टू डेटर्स किस चीज के बेस पे से बोल रहे हो? क्या एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री, हम डेटर से क्रेडिटर क्या करते थे? कैंसिल, तो इससे हमारे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम, और डेटर भी क्या हो जाएंगे? कम। तो यहां पर आप कह सकते हो कि बाय क्रेडिटर्स कॉमन अमाउंट कैंसिल, सोचा तो कुछ पॉइंट मिला ना, ऑल्दो हमारे पूरे चैप्टर में ये पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अच्छा पॉइंट है। और सोचिए बैड डेट सिक्योर की एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, आएगा इसमें? नहीं आएगा, आप सिर्फ एंट्री सोचोगे आपको खुद पता चल जाएगा। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ, सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये सारी चीजें वही हैं, बस आपने ध्यान देना है। अच्छा मान लो आपने किसी डेटर को चेक दिया था, सॉरी डेटर ने आपको चेक दिया था, तो क्या एंट्री हुई थी जब डेटर ने आपको चेक दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर आ गया ऊपर, वही चेक डिसऑनर हो गया, तो डेटर टू बैंक, ठीक है, समझ में आ गई बात। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और भी हैं चीजें लेकिन मैं वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा ताकि और बेटर वे में आप उसको तब समझ पाए, अभी बता भी दिया तो आप भूल जाओगे, इसलिए वो क्वेश्चन के साथ बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। नीचे नोट लिख लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, एक बैड डेट्स रिकवर, प्रोविजन फॉर doubtful debts and provision for discount on debtors will not be adjusted in debtors account, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए।
क्लियर यहां तक की बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, उसके बाद हम अपने पास आते हैं, अगला अकाउंट कौन था बेटा हमारा? बीआर अकाउंट। अब ये सारे अकाउंट बनाकर ना आपको याद आ रहा है धीरे धीरे इसी अकाउंटिंग में डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, तो ये पहले क्लास में टाइम लगेगा, बस कॉन्सेप्ट पहली क्लास का ही है, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट बताइए, बीआर एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, तो इसका बैलेंस भी क्या होगा? और अब बताओ बीआर के बढ़ने के रीजन, डेटर से मिले ना बीआर, क्लाइंट होल्डर से भी आप ऊपर बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये लीजिए टू आ गया यहां पर वो डेटर ऊपर से नीचे, और वही बीआर अगर आपने रिसीव कर लिया होगा तो कैश तो नहीं सॉरी बैंक से ही आएगा, भाई मैच्योर हो गया या डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट हो गया तो एक चीज और आती है डिस्काउंटेड चार्जेस, और कई बार आप बीआर को क्या कर देते हो एंडोर्स, तो वो आ जाएगा। उसके अलावा आपका एक और पुराना वर्ड याद आएगा आपको बीएसएफसी क्या था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, बैंक को कहाँ भेजेगा तू भाई कलेक्शन के लिए। और उसके बाद ये बच गया बैलेंस कैरिड डाउन, बताइए पॉइंट क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत? और अब इन्हीं के सिमिलर अकाउंट और कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, पहले क्रेडिटर्स बना लेते हैं फिर बिल्स पेएबल बनाएंगे। चलो अब जैसे आपने डेटर्स के लिए सोचा वैसे ही आप सोचिए अपने क्रेडिटर्स के लिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट बताइए, क्रेडिटर्स एसेट है लायबिलिटी है, तो कहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई दिक्कत? परचेजेस एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो इधर आ जाएगा बाय परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव एंट्री बोलो बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ये डिस्काउंट रिसीव कब मिला होगा आपको, जब आप पैसे दे रहे होंगे तो साथ में कैश और बैंक भी आ ही जाएगा, परचेज रिटर्न बिल्कुल सही, वो भी आपके क्रेडिटर कम करती है। चलिए और बताइए, बिल्कुल बढ़िया, बिल्स पेबल, ये बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी, आपने अपने क्रेडिटर को बीआर दिए थे ना, एंडोर्स किया था बीआर, वो आ गया ऊपर से देखो एंडोर्स्ड, और उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ये परचेज यहां पर कौन सी वाली आ रही है ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिटर्स के बाद अगला कौन सा है बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट,
नहीं करा अभी, अभी दिखाता हूँ। लीजिए, कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया बेटा, कर दूं आगे। अब बिल्स पे बताइए, बिल्स पे बताइए, बिल्स पे बेटा फिर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड क्यों लिखवाया? क्योंकि बीपी हमारे लिए लायबिलिटी है। और ये बिल्स पेबल किस तरह से बड़े होंगे? क्रेडिटर्स के वजह से बड़े होंगे जो ट्रांसफर होकर आए। बेटा बात क्यों कर रहा भाई, पीछे एक लग चुका है, दूसरा और लगाना है, समझ अभी भी आती नहीं है बातें। हाँ जी, बिल्स पेबल कम कैसे होंगे बेटा? आपने बैंक से उन्हें पे कर दिया, और इसमें ज्यादातर और चीज आपको नहीं मिलेंगी, इसमें ये दो तीन बातें ही होती हैं बस। बताओ यहां तक का पॉइंट क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा अकाउंट था क्रेडिटर और बीपी के रिगार्डिंग। अब चेक करो ऊपर हमने और कौन से लिखे थे। कैशर बैंक, कैशर बैंक तो हमने कल ही सीखा, कौन सी बुक बनाई थी हमने, तो कैश बुक के अंदर पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो सेम बैंक के लिए भी वही है, तो वहां कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो हमें आती है। एक अकाउंट और बनाना है बस मुझे आपको, कौन सा? एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे, इसी में आउटस्टैंडिंग भी आएगा, प्रीपेड भी आएगा। Particulars amount, particulars amount. चलो अब मुझे बताओ एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है या लायबिलिटी है? तो फिर उस केस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आउटस्टैंडिंग के लिए आ गया। चलो ये तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का आ गया, मान लो प्रीपेड हो तो फिर उसी पॉइंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी आ जाएगा। किस चीज का आएगा? प्रीपेड का। तो आउटस्टैंडिंग भी एक ही में आएगा, प्रीपेड भी इसी में आएगा, दोनों इसी में आएंगे। अगर दो होंगे तो एक होगा तो एक ही लिखेंगे। अच्छा सोच के बताना, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग इधर आया तो क्लोजिंग इधर आएगा, ऑपोजिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन किस चीज का? आउटस्टैंडिंग का। और प्रीपेड का इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन किस चीज का? प्रीपेड का।
एक्सपेंस पे करने की एंट्री बताइए। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, तो वो इधर आ जाएगा बाय पीएनएल एक्सपेंस ट्रांसफर। दैट्स इट। टोटल मिलाकर 6 चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो इन अकाउंट्स का सहारा लेना पड़ेगा आपको बेसिकली अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। इन अकाउंट्स के सहारे के बेसिस पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे हर एक पॉइंट को लेकर। बताओ यहां तक कंप्लीट है? सबने लिख लिया? शुरू करें? अच्छा मुझे याद दिलाना एक बार फिर से, हमारे फाइनल अकाउंट्स का रूल क्या था? ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग, यहां के रूल क्या है सुन लीजिए। रूल ऑफ पोस्टिंग क्या है? इफ एनी टैलिड अकाउंट ऑब्लिक बैलेंस शीट इज गिवन, देन फिर से पोस्टिंग ओनली वंस। क्या मिल जाए अगर आपको एक टैलिड अकाउंट मिल जाए, बैलेंस शीट मिल जाए? टैलिड या बैलेंस शीट का मतलब यहां पर पता क्या है? कंप्लीट अकाउंट ऑब्लिक बैलेंस शीट। और दूसरा फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉ इंफॉर्मेशन। बेटा फिर उसकी पोस्टिंग कितनी जगह होगी? पोस्टिंग ट्वाइस एज पर डुअल एस्पेक्ट। जो डबल एस्पेक्ट होता है हमारा सिस्टम होता है डुअल एस्पेक्ट वाला, वो ही फॉलो किया जाएगा। बात समझ में आती है तो बताइए। इन्हीं रूल्स को याद रखना है आपने बस बस। हाँ आपको ये टैलिड अकाउंट और बैलेंस शीट मुझे दिखानी है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये सारे के सारे जो बातें अभी लिखी है मैंने, ये सारी बातें जो आपने नोट की हैं, ये सब बातें आपको प्रॉपर रिवाइज करनी होंगी। कोई भी नई चीज आती है तो वो डिटेल में करनी पड़ती है पहले, वरना याद नहीं रहती। यहां तक आप सब लिख चुके हैं तो बताइए, दिखाऊं टैलिड अकाउंट या टैलिड बैलेंस शीट क्या है? ये चेंज कर दूं? सबका हो गया? आइए अपने पास पेज नंबर निकाल लीजिए 213। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराने वाला हूं, पहले पढ़वा भी रहा हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ पाए। देखिए क्या नाम है देखो बंदे का, और कह रहा है मैं अकाउंट भी बनाता नहीं हूं। हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर 2011। लकी ने अकाउंट नहीं बना रखे लेकिन कहा जी मैंने बैंक की रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं। अब देखो उसके अकाउंट कैसे हैं, डेटर ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग है नहीं या दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क तभी लगा है, यानी कि आपको निकालना है। क्रेडिटर का चेक करो, ओपनिंग है या नहीं है, नहीं है, लेकिन क्लोजिंग है। तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है आपको? इनकम्प्लीट, आपने इन्हें कंप्लीट करना है। स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिए, बैंक का क्लोजिंग दिया ओपनिंग नहीं दिया, फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिए। फिर चेक करो डेटर क्वेश्चन ने क्या क्या पॉइंट बोले। रिसीव फ्रॉम डेटर एंट्री बताइए, बैंक क्यों बोला आपने,
बैंक क्यों बोला, कैश क्यों नहीं बोला, बड़ी अमाउंट है मतलब क्या होता है, बैंक ट्रांजेक्शन लिखा है ऊपर पढ़िए, क्योंकि आप बैंक की जगह कैश कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन उसी वक्त पे, समझ में आ रहा है पॉइंट। ऑल्दो इस क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, लेकिन आगे जाकर क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कैश भी होगा बैंक भी होगा दोनों होंगे। अगला पढ़िए, एंट्री तो बताओ, एंट्री बताई नहीं आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगला बोलिए, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, पैसा आएगा जाएगा, एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगला, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 2500 की बुक वैल्यू थी 1750 में बेच दिया, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, एसेट भी बेच रहे हो पैसा भी दे रहे हो, बड़े महान लोग हो। हाँ जी, तो एंट्री बता दो फिर, अगर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 1750, फिर लॉस कितने का लॉस, 750, और टू एसेट कितने से कम, 2500 से। उसके बाद चेक करो पेड टू क्रेडिटर, एंट्री बताइए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस टू बैंक, पर्सनल ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले बैंक से तो कम करो, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पढ़ो नीचे क्या लिखा हुआ है, अब मेरा पूरे साल में कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, सारा काम बैंक से करता है, और गुड्स जो बेचता है वो किस पे बेचता है, कॉस्ट प्लस 25% पे, और आपकी कॉस्ट कितनी है, कब एग्जाम में क्वेश्चन आया देखो, बस आपके पैदा होने से एक साल पहले, देख रहे हो। तो हम, हमें बनाना क्या है, क्या बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स। अब आपके लिए सवाल है, इन पूरे क्वेश्चन में टैलीड अकाउंट कौन सा है, आप देखिए नीचे वाला कौन सा, नीचे वाला, ये तो इंफॉर्मेशन है अकाउंट थोड़ी है, कोई भी नहीं है। हाँ जी, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, क्योंकि दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए, नहीं इसमें कोई भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होने का मतलब टैलिड नहीं होता, देखो मैंने क्या वर्ड लिखा था टैलिड के नीचे, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब सारी इंफॉर्मेशन का होना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, इसमें देखो एक लिखा है द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ बैंक अकाउंट, डेबिट साइड देखो टोटल हो रही है, क्रेडिट साइड टोटल हो रही है, ये है टैलिड अकाउंट, जिसमें एक पूरा अकाउंट बन रखा होगा, और जब पूरा अकाउंट बन रखा होगा तो इस अकाउंट की पोस्टिंग अब कितनी जगह होगी, एक जगह, और बाकी सबकी पोस्टिंग कितनी जगह होगी, दो जगह। ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या चीज बनी हुई है, बैलेंस शीट कंप्लीट है, तो इसकी पोस्टिंग भी होगी एक जगह, और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग, समझ में आती है बात, तो इसका मतलब हमारा फोकस अब किस पे रहेगा, कोई कंप्लीट अकाउंट आ जाए तो उसको एक जगह पोस्ट करेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस वो करते थे, और बाकी सब बातों को कितनी जगह करेंगे, दो जगह। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सबने दोबारा पढ़ना है, पढ़ लीजिए, फिर मैं शुरू करा रहा हूँ, फिर आपको एक बार पढ़ लो पूरा, पूरा प्रोसेस मैं शुरू कराता हूँ फिर आपको। बताओ जी बताओ, शुरू करें, तो बेटा क्वेश्चन हमने जो बनाना है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बेटा, 1, पेज नंबर कितना है, अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्या था बेटा ईयर एंड? 31 मार्च नहीं है, 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर में 2011। अब आपके हिसाब से क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, बताइए। ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? क्योंकि उसी के बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कितना स्पेस चाहिए बनाना है छोटे के लिए। ये बड़ा है या छोटा है, ये इस चीज से बहुत डिपेंड करता है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी दी गई है। जो कितने अकाउंट हैं, 1 2 3 4 5, मतलब मान लीजिए कम से कम 5 वर्किंग नोट तो पक्के हैं। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा उसका अकाउंट बनेगा ही बनेगा, ऑलमोस्ट, बहुत रेयर चांस है शायद ना बनाना पड़े, अदरवाइज तो बनेगा। और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर आप नॉर्मली जगह छोड़कर ही चलें। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो आईसीआई ने एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है ऐसा, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन आप अपने आप को माइंड सेटअप करके रखिए कि आपका कम से कम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मुझे 15 से 20 लाइन का चाहिए, ठीक है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आप सीखते जाएंगे कि इसमें ये इतना आता है, इतना ये नहीं आता है, सब इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी आपको। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2011। ये वो बन गए जो आपको क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन ने मांगे हैं, ये वो बन गए। Liabilities, amount, assets, amount. बताइए। करें शुरू। अब वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा बनना है ये कैसे पता चलेगा? आइए चेक करें, शुरू करें। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में क्या गिवन थी? डेटर। और मैंने आपको बोला है हर इंफॉर्मेशन दो जगह। आप बताइए डेटर का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग, इसकी दो जगह बता दो। एक तो बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई अब तक आपने? बनाइए पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, पहले ही पॉइंट से वर्किंग नोट शुरू हो गए। क्या बनी? बैलेंस शीट 31/12/2010। बिल्कुल वर्किंग नोट बना सकते हैं, बैलेंस शीट थोड़ी सी बना लो बेटर रहेगी। और सबसे पहली चीज क्या लिखी है आपने बेटा? डेटर्स कितने के थे? 1,02,500 ओपनिंग वाला मिल गया। बट ये एक ही जगह लिखना है, दो जगह लिखना है? ये दूसरी जगह बताओ, डेटर अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस शीट के बाद इसका अगला
क्या बनेगा? डेटर्स अकाउंट। Particulars amount, particulars amount. जी अब debtors में कहां लिख दूं? To balance brought down. कितना था? 1,02,500. अब आप समझ जाइए ऐसे करके जिस जिस के अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे उन सब के क्या बनने वाले हैं? अकाउंट। तो आप एग्जाम में बस यही भगवान से मांगे, जितने कम से कम अकाउंट दें उतना अच्छा, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट आएंगे उसका मतलब उतने ही वर्किंग नोट बनेंगे, उतना ही क्वेश्चन लेंदी होगा। फाइनल अकाउंट आप सबको आता है, बट जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। बताइए ये पॉइंट समझ में आ गया सबको यहां तक का? चल सकता हूं? बताइए अगला पॉइंट क्या दिया क्वेश्चन ने? क्रेडिटर्स। क्या इसके भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें? भले ही ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हो तब भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। चेक करिए बेटा क्रेडिटर्स के लिए एक और अकाउंट। अच्छा क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग क्लोजिंग कहां कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस। ये लीजिए क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और बेटा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कहां लिखूं? डेबिट साइड। ये बहुत जरूरी बात है, मैंने वो आपको अकाउंट जो बनवाए थे शुरुआत में वो टाइम पास के नहीं बनवाए, इसलिए बनवाए थे आपको याद रहे कि डेबिट क्रेडिट लिखना कहां है। आपने एक डेबिट का क्रेडिट उल्टा कर दिया ना, बस क्वेश्चन में गलतियां शुरू। कितना बैलेंस था बेटा ओपनिंग क्लोजिंग? 46। और ये 46 और कहां लिखवाने वाले हो? कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट पे पहुंच जाइए और वहां पर लिख दीजिए क्रेडिटर्स 46,000। बताइए जी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला हेड चेक करो क्या है। स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहां कहां आता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक का अकाउंट अलग से नहीं बनाना, स्टॉक का अकाउंट खुद ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट ही तो होता है। तो इसीलिए 50,000 का क्लोज ओपनिंग स्टॉक कहां दिखा दूं? ये लीजिए लिखिए ओपनिंग स्टॉक 50। इसे भी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखवाऊंगा। साथ साथ एक काम करो ना, लिख दो साथ साथ ही इसको और लिख दो क्लोजिंग स्टॉक को। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 50,000। और अब ये दोनों कहां जाएंगे? ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 62,500। एक गलती और भी होती है, अब जब क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखना है बच्चा गलती से क्या कर देता है? ओपनिंग में लिख देता है, इंटरचेंज हो जाता है। और आपको पता है इसके बावजूद भी आंसर मैच कर जाता है, क्योंकि लिखना तो एसेट साइड ही था, दूसरी एसेट साइड में लिख दिया, तो वो अल्टीमेटली टोटल बैलेंस शीट का मैच करा देगा लेकिन सही अमाउंट से नहीं कराएगा, गलत अमाउंट से कराएगा। तो मैच तो कर जाएगा क्योंकि डबल एंट्री चल रही है, चलाते रहो चलती रहेगी, मैच करा देगी। लेकिन कई बार आपने देखा था कि ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी गलतियां रह जाती हैं। ये लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बेटा ओपनिंग में कितना था? 50।
यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। बताओ बेटा, क्लियर है यहां तक की बात? क्या हुआ बताओ बताओ। देखो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट डेट पर होता है, ये बैलेंस शीट कब बन रही है? तो ये पिछले साल के क्लोजिंग के हिसाब से लिखा गया है। बैलेंस शीट में मैं कभी ओपनिंग स्टॉक वर्ड थोड़ी लिख सकता हूँ, या तो सिर्फ स्टॉक लिखूंगा या फिर क्लोजिंग लिखूंगा साथ में। तो वो ओपनिंग स्टॉक है जरूर, लेकिन वो ओपनिंग फर्स्ट डेट पे नहीं है, ये क्लोजिंग डेट पे बन रही है दोनों। देखो यहाँ पे देखो 31/12/10, 31/12/11, ये दोनों ही अपने अपने साल की क्लोजिंग डेट है। 1 जनवरी 11 ये ओपनिंग डेट है, लेकिन मैं उसमें भी ओपनिंग वर्ड नहीं लिखता, स्टॉक लिख दूंगा सिर्फ। चलिए अगला बोलो बेटा, स्टॉक के बाद अगली चीज क्या है? बैंक बैलेंस। कौन सा बैलेंस है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहां पे आ जाइए, बैंक लिख दीजिए, कितना है 50,000। और क्या बैंक अकाउंट बनाना चाहिए हमें? लीजिए हमारा अगला वर्किंग नोट नंबर 4 आ गया है, बैंक अकाउंट। Particulars amount, particulars amount. बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? और बैंक का ओपनिंग था क्लोजिंग था? सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा कितना क्लोजिंग था बेटा, 50। दूसरी तरफ हम कहां लिख चुके हैं ऑलरेडी बैलेंस शीट में? पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है बताइए। अगला बोलिए बेटा, अगला पॉइंट क्या है? फिक्स एसेट। आ जाइए, इसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। Particulars amount, particulars amount. जी बेटा, फिक्स एसेट्स का ओपनिंग कितना था? 75। और क्लोजिंग कितना था? 9,000। ये कहीं और भी जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। आ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट पे, वहां लिख दीजिए फिक्स एसेट्स 7,500 का, और साथ साथ इसके साथ साथ बेटा क्या फिक्स एसेट्स और कहां आ गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट कितने का आ गया? 9,000 का। अच्छा एक सवाल मुझे आपको यहां बताना है, जवाब मतलब एक पॉइंट बताना है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को लेके कोई बात बोली है? अगर 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 नीचे मान लो क्वेश्चन के अंदर यहां पे कहीं पर इंफॉर्मेशन में लिखा होता डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10%, तो इसका मतलब हमें इस 9,000 पे अभी डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। तो फिर 9,000 में बाहर नहीं लिखता, मैं अंदर लिखता और डेप्रिसिएशन भी लगाता। क्वेश्चन ने मुझे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कोई बात बोली ही नहीं है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा, देखना धीरे धीरे करके। तो आपको समझना है इस चीज को लेकर, जब भी डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन होगी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को कहां रखेंगे?
इनर कॉलम के अंदर। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन कर करके समझ में आएगी बात। अगला बोलिए बेटा, चलिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, आप रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एंट्री क्या बताई थी आपने मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैंक में डेबिट कर दूं, बैंक में आ जाइए, बैंक 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 से पहले डेटर आ गया तो डेटर में क्रेडिट कर देता हूं, तो बाय बैंक कितना अमाउंट बेटा, 3,40,000। क्लियर है पॉइंट, और ये 340 और कहां जाएगा, बैंक में एक लाइन छोड़कर लिखना, एक लाइन क्यों छोड़ रहे हो, ओपनिंग के लिए, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। डन है, करूं आगे, नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5,000 रुपए का, एंट्री क्या थी आपकी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक में 5,000 रुपए किस साइड लिख दूं, क्या हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल और कौन सी जगह कहां दिखाते हैं हम कैपिटल, बैलेंस शीट में, ओपनिंग में दिखाऊं या क्लोजिंग में, सोचो, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल कब आया होगा, फर्स्ट डेट पे या ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका चेंज कब दिखाना चाहिए, एंड में, ओपनिंग में दिखाई नहीं पाओगे ना, इसके बाद आया होगा तो इसलिए हमेशा एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग्स ये सब की एडजस्टमेंट हम किस में करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल में प्लस कर दो, मेरे पास अभी तक कैपिटल आया नहीं है, मैंने लिखकर उसे खाली छोड़ दिया और एडिशनल कैपिटल लिख दिया, कितना लिखा, 5,000। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइएगा मुझे, क्लियर है, चलिए आगे करें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 1750 में बेचा 2500 रुपए के एसेट को, बेटा बैंक में कितना पैसा आया था, 1750, आइए बैंक में लिख दीजिए टू फिक्स्ड एसेट्स 1750, बेटा फिक्स एसेट कम कितने का हुआ था, 2500, 750 का तो नुकसान हुआ था, तो देखो यहां 1750 आ गया, अगला फिक्स एसेट्स में लिखो, कैसे लिखोगे, देखो बाय बैंक कितना लिखोगे, 1750, और एक और चीज क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल, पीएनएल में जाएगा, कितना जाएगा, 750। अभी करेंगे वो जो अपने आप आते रहेंगे धीरे धीरे, आपको भागना नहीं है, आपको बस पॉइंट टू पॉइंट पूरा करते हुए चलना है और डबल एंट्री नहीं छोड़नी, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताऊं आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, हम जनरली कोई ट्रांजेक्शन होती है उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्लासिफाइंग, रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर, तो अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे, डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, लेजर, और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, सीधे क्या बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स, तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने में शॉर्टकट लग रहा है, जर्नल एंट्री में पूछ जरूर रहा हूं लेकिन लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं, बताओ किस साइड डेबिट किस साइड क्रेडिट, फिर मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बनवा रहा, मैं डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में ले जा रहा हूं, तो हम एक शॉर्टकट मेथड से जा रहे हैं, समझ में आई बात ये वाली, बस ध्यान रखना है कि दो जगह पूरा किया जाए, अगर आपने कोई क्वेश्चन पॉइंट करते वक्त दूसरी जगह नहीं की तो क्वेश्चन 100% मैच नहीं करेगा, ये पक्का है। तो जी अब बताइए 1750 बैंक में लिख चुके हो, क्या ये भी कहीं लिखना है, कहां लिखना है, पीएनएल में, आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जगह छोड़ी हुई है आपने नीचे की तरफ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 750। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रही है यहां तक की बातें, अगला पॉइंट बोलो बेटा, पेड टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री क्या बताई थी आपने मुझे,
क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक ही लीजिए, क्रेडिटर आ गया टू बैंक, कितना अमाउंट पे किया बेटा 2,80,000, और ये 2,80,000 और कहां जाएगा बैंक अकाउंट में, क्या करोगे ये लीजिए बैंक अकाउंट में आ जाइए बाय क्रेडिटर, कितना 2,80,000। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? अगला बोलिए, एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। बेटा एक बात बताओ, एक्सपेंस का अकाउंट बनाया है आपने? बनाऊं फिर मैं या डायरेक्टली भेज दूं? जिसका अकाउंट नहीं बनाया है इसका मतलब वो डायरेक्टली जा सकता है, और एक्सपेंसेस सारे कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो बोला नहीं, तो स्पेशली इसको डायरेक्ट नहीं मानना है, इनडायरेक्ट मान के खत्म करना है। तो आप बैंक में क्रेडिट करोगे, एक तो क्या लिखोगे बाय एक्सपेंसेस कितने हैं 49,250, ये और कहां ले जाऊं पीएनएल में, टू एक्सपेंसेस 49,250। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अगला बताइए, ड्रॉइंग्स टू बैंक 25,000, तो ड्रॉइंग कहां से माइनस होंगी, कैपिटल में से, और दूसरी तरफ बैंक में क्रेडिट साइड आ जाइए, बैंक में आ जाइए, ये लीजिए बाय ड्रॉइंग्स, कितना अमाउंट 25,000। कोई दिक्कत है तो बोलो, पॉइंट क्लियर है यहां तक का? नेक्स्ट बताइए, एक और बचा है क्या, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने का है 5,000 का, बैंक में कहां दिखा दूं, क्रेडिट साइड, फिक्स एसेट 5,000, और कुछ फिक्स एसेट अकाउंट में भी दिखा दीजिए डेबिट साइड में, टू बैंक 5,000। अब देखो जितनी बातें क्वेश्चन ने बोली अब तक, क्या हमने सारी कर ली है? सारी हो चुकी है, एक बात बची है नीचे की तरफ। पहली बात तो कोई कैश ट्रांजैक्शन थी नहीं, कॉस्ट गुड्स जो बेच रहे हैं वो किससे बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्लस 25%, और कॉस्ट कितनी है 2,60,000, ये लीजिए ध्यान दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन बिना टाइम पास के नहीं दी गई है, ये कुछ ना कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी आपको। लो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए कितना है 2,60,000, इस पे प्रॉफिट बता दो कितना परसेंट है, 25% ऑफ व्हाट कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट का बताइए 65,000। आपको पता है ये क्या आने वाला है, ये तो जीपी हो ही गया, ये क्या है 3,25 सेल्स, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स या बैंक से सेल, बैंक से सेल क्यों, तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैंक की ट्रांजैक्शन तो आप सारी कर चुके हो, वहां कहां मिला, तो क्रेडिट सेल, समझ रहे हो, बैंक की ट्रांजैक्शन क्वेश्चन ने खुद बताई थी ना सारी, वहां था कोई पे नहीं, कैश क्वेश्चन में है नहीं, उसका मतलब कौन सी सेल हुई, क्रेडिट सेल। तो अब यहां पर 3,25 क्रेडिट सेल्स की जो एंट्री बोलिए, डेटर्स टू, तो एक तो सेल्स आ गई कहां पर 3,25,000, ये कौन सा वर्किंग नोट बना हमारा, हमारे पास वर्किंग नोट नंबर ये 1 था, डेटर का 2 है, क्रेडिटर का 3 है, बैंक का 4 है, फिक्स एसेट्स का 5 है, और ये हमारा 6 है। तो 6 वर्किंग नोट ने सेल निकाल के दे दी मुझे, कितनी सेल है
3,25,000। पॉइंट क्लियर है? और ये 3,25 और कहां दिखा दूं? डेटर्स में, टू सेल्स 3,25। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, उसी वर्किंग नोट 6 से एक और चीज भी निकली है, जीपी। और जीपी दो जगह लिखना है, कहां कहां लिखोगे? एक तो ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 6, 65,000। ये ट्रेडिंग यहां क्लोज हो जाएगा और यही जीपी यहां आ जाएगा नीचे। दो जगह हो गई पूरी। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलो। बस दो जगह ये ध्यान रखना है। अब बताओ, अब क्वेश्चन की क्या सारी बातें पूरी कर चुके हो? और यहां तक का काम ना एक्चुअली में था भी वो जो एक अकाउंटेंट करता है। कौन करता है? और अब जो काम शुरू हो रहा है वो कौन करता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि ये काम तो जनरल लेजर वाला था, ये तो हर कोई कर लेगा। बट अब यहां से समझना है जो नई चीज आपको सीखने के मिलेगी। अब ये सारे के सारे ना फिलिंग, ये जो अकाउंट है ना खुले पड़े हैं, इन्हें क्या करना है? बंद। इसे पहले बंद करें। सोचो, अब देखो ये दिमाग लगाने वाली चीज है। अब आप लोग कौन है? फ्यूचर सीएस। देखिए, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो सकता है? ये पहले देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? परचेजेस नहीं है। ये दिमाग चलना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि क्या इस ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया जा सकता है? नहीं, इसमें भी कमी है। जब तक ट्रेडिंग क्लोज नहीं होगा तब तक प्रॉफिट लॉस भी क्लोज नहीं करना। मैं आपको नाम बोलता हूं क्या क्या चीजें क्लोज नहीं करनी। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बैंक। ये पांच चीजों को हमेशा रोक के रखिए, क्योंकि ये पांचों चीजें सबसे आखिर की होती हैं। इसके अलावा जो आपको लगे कि इंफॉर्मेशन बंद हो रही है, अकाउंट क्लोज हो रहा है, करते चलिए। कौन कौन से बोले मैंने? पांच, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बैंक। इन पांचों को छोड़कर कुछ भी क्लोज करना शुरू कर दो, हो जाएगा। चेक करते हैं, आइए ओपनिंग बैलेंस शीट भी छोड़ दीजिए, डेटर अकाउंट चेक करिए, क्या डेटर क्लोज हो सकता है? आ चुकी है, देखो लिखी हुई है। हाँ जी, अब सोचो अगर मैंने नहीं लिखी होगी तो फिर ये अकाउंट क्लोज ही नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए हमेशा डबल एंट्री ध्यान रखनी है। क्या लगता है डेटर अकाउंट में क्या चीज बची है जो आनी है? बैलेंस, कैरेट डाउन। तो डेटर अकाउंट को मैंने आपको पहले क्यों बनवाया? ताकि आपको पता हो कि इस साइड में और क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स आएंगे, सेल्स रिटर्न अगर आने होते तो अब तक आ चुके होते। मैं अपनी मर्जी से किसी को बैड डेट्स नहीं बना दूंगा। हाँ, मुझे बैलेंस कैरेट डाउन पक्का मिलेगा, ये जरूरी है, तो वो जरूर लिखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जो भी क्लोज कर रहे हो उसके आगे बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना, वरना खुद ढूंढते रह जाओगे बाद में कि कहां से आ गई वैल्यू। बैलेंसिंग फिगर मतलब बची है, बताइए कितनी बची है? 87,500। और ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग और कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लिंक अपने आप बनेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक चेन पर चल रहा है, सही चेन पकड़ गई तो आप सीधा आगे बढ़ जाएंगे। डेटर क्लोज, वर्किंग नोट नंबर क्या था? 2। लिंक बना दीजिए। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। क्लियर है पॉइंट? करूं आगे? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। डेटर हो चुका है, क्रेडिटर देखो। क्रेडिटर में क्या कमी लगती है आपको? ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बस वही नहीं है और भी कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था, इतना पे कर दिया, इतना बच गया, कुछ कमी नहीं लग रही आप लोगों को?
यस परचेजेस कहाँ आई अब तक? बिना सामान खरीदे पैसे दे दिए? सामान तो खरीदो पहले, और ये सामान खरीदने के लिए आपकी मदद ये तो कर नहीं पा रहा। देखो इस अकाउंट में इसका मतलब दो चीजें आनी बाकी हैं, एक तो ओपनिंग और एक परचेज। परचेज और कहां से मिल सकती है? ट्रेडिंग अकाउंट से। चेक करो क्या ट्रेडिंग अकाउंट चीख चीख के नहीं कर रहा कि निकालो मुझे परचेज के यहां से। ये देखिए परचेज बैलेंसिंग फिगर टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। ये कितनी आ रही है परचेज बेटा माइनस करने के बाद? 272500। तो जिस अकाउंट में दो जगह खाली नजर आए समझ जाइएगा वो अकाउंट अभी क्लोज नहीं हो सकता, दूसरे अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी उसे। अब मेरा क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे किसकी हेल्प की जरूरत थी? परचेज की। परचेज के लिए वो किसके पास गया? ट्रेडिंग के पास। और ये जो स्किल्स है ना ये क्वेश्चन करके आएंगे। जनरल इंटीग्रल के आंसर आप आसानी से दे पा रहे थे लेकिन अब जो आंसर है वो मैं बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज यहां से यहां निकलती है, आपको वो सीखनी पड़ेगी अभी। तो जी आइए पर क्रिएटर्स में एक लाइन छोड़कर आपने क्या लिख दिया? परचेजेस कितना बड़ा? 272500। और अब साथ साथ क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखते रहिएगा, वो नहीं मिस करना है। तो बता दीजिए कितना आ रहा है? 53500। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? 53500 लिख दूं मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में? ये लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया है क्रेडिटर, और ये वर्किंग नोट नंबर 3 से आया है। 53 था 52 था कितना था? 53500। ये लीजिए कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ रही चीजें? अगला बताइए बेटा अगला अकाउंट कौन सा क्लोज हो सकता है? डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक अभी नहीं करना है ना, याद है? और उसके बाद चेक करिए डिफरेंस किधर आ रहा है। एक हजार लॉस आ रहा है, ये लॉस तो गिवन है। सोचो ओपनिंग है, परचेज है, सेल है, लॉस है, क्लोजिंग है, क्या नहीं है? और ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड है तभी डेप्रिशन है, डेबिट साइड होता तो डेप्रिशन होता ही नहीं, फिर कुछ और निकल सकता था। तो क्वेश्चन आपको हिंट दे देता है पहले ही, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना कह रहे हो बेटा? और ये 1000 कहां लेके जाऊं? पीएनएल में। टोटल क्या आ रहा है? और पांच 12500 तो है। ये लीजिए बेटा यहां पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन 1000 वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है ना? ध्यान रखिए इस बात से कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन खत्म पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे कौन कौन से अकाउंट बचे हैं? बैंक बचा है, ओपनिंग बैलेंस शीट बची है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बची है। तो अब उन पांचों में से किसको उठाएंगे? कैश बैंक को। चेक करिए बैंक अकाउंट में डिफरेंस किधर आ रहा है। देखो अब इस वक्त पर डिफरेंस किधर आया, किस साइड आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, कहां आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। और क्या लगता है डेबिट साइड क्या निकलने वाला है? ओपनिंग बैलेंस, वही गिवन नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि बैंक का ओपनिंग गिवन नहीं था, इसका मतलब वो हमें ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए बात कर रहा होगा। ये लीजिए
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना निकल रहा है बेटा 62500 62500। ये पॉइंट क्लियर है कर दूं जी बेटा। ये 62500 जो आया है आपका बैंक का बैलेंस कहां दिखाओगे, कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए और लिख दीजिए बैंक। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? ये लीजिए 62500। लो जी अब चेक करो एक बार, अपने सारे अकाउंट चेक करो और बताओ कौन से अकाउंट बचे हैं क्लोज करने के लिए। आपका ट्रेडिंग हो चुका है, पीएनएल बचा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बची है, ओपनिंग बैलेंस शीट बची है। क्या लगता है कौन सा पहले क्लोज करूं? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकाल दूं? चेक करिए कैपिटल निकल जाएगा आपका। टोटल बताइए कितना आ रहा है क्रेडिट लायबिलिटी एसेट साइड का? ट्रिपल टू। टोटल गलत कर दिया मैंने, टोटल कितना था? 222500। 222500। और कैपिटल कितना बचा? वन सिक्स नाइन ट्रिपल जीरो। बताइए क्लियर है? और ये 169000 अब कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहां पर आपने जगह पहले से ही बना रखी है उसकी, वर्किंग नोट नंबर वन। और क्या लगता है अब बचे हैं? दो चीजें, पीएनएल और बैलेंस शीट। और इन दोनों पहले किसे क्लोज करूं? पीएनएल, क्योंकि उससे क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। चेक करिए बेटा कितना आ रहा है, 14000 आ रहा है ना? चेक करो, 14000 आ गया। और ये 14 अब जाके कहां पहुंचेगा? नेट प्रॉफिट 14000। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चैप्टर एक गेम की तरह है जिसमें एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और एंड में पहुंच कर बैलेंस शीट मैच हो गई तो रानी मिल जाएगी, वरना गेम ओवर हो जाएगी। चेक करिए बैलेंस शीट, चेक करो मैच कर रही है। 209000। क्वेश्चन लेंथी जरूर रहेगा ये पक्का है। और ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के हिसाब से भी, मेरी बुक के हिसाब से भी, सबसे पहला और सबसे छोटा क्वेश्चन। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट यही है, सबके कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। बताइए जी, समझ में आ गया पॉइंट यहां तक का? बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आया? मुझे एक बार रूल याद दिलाओ, टैलीड अकाउंट या कंप्लीट बैलेंस शीट मिलेगी तो एक जगह और एडजस्टमेंट्स मिलेंगी तो दो जगह। सबसे पहले क्या करना है? पूरे क्वेश्चन की सारी बातें जैसे जैसे जानी है वैसे वैसे लेके जाइए। और फिर बारी आएगी किसे क्लोज करने की। क्लोज करने में कौन से अकाउंट क्लोज नहीं करने? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और बाकी के सारे अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कई बार इनमें से कोई क्लोज नहीं हो रहा होगा, बचे हुए में से, शायद यहां से मदद मिल जाए। ज्यादा यहां पर क्रेडिटर क्लोज नहीं हो रहा था, मदद लेने किसके पास जाना पड़ा? ट्रेडिंग के पास, ताकि उसने क्या दिया उसे? परचेज। तो ऐसा कर करके आएगा।
समझ कर आएगा। जैसे आपको लगेगा यहाँ तो कुछ भी क्लोज नहीं हो रहा, तो उसका मतलब वहां से कुछ मदद मिलने वाली है, वो परचेज की मिल जाए, वो सेल्स की मिल जाए, वो किसी और चीज की मिल जाए, तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमारी क्लास कल ही है नेक्स्ट द्वारा, तो इसलिए एक ही क्लास का होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क है मतलब, पर इसे करके जरूर आए, क्योंकि इसे करके आए ना तो आपके दिमाग के सारे नट बोल्ट ढीले होने वाले हैं, क्योंकि इसमें अकाउंट हो, कितने अकाउंट बनेंगे, कम से कम 7 बनेंगे और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 8, और 3 वो बनाने हैं तो कितने बनेंगे, तो ये आपके 12 बजाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कल मिलेंगे अब आगे, अब आप लोग अपना अपना भंडारा ग्रहण करें, ठीक है जी। चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर के आगे की बात करेंगे। कल आप लोगों की डाउट क्लास भी है आपके फाइनल अकाउंट्स वाले पार्ट की, वो आपने खत्म करके आना है, और फिर उसका फिर टेस्ट भी रहेगा आपका, टेस्ट में कल ही अनाउंस कर दूंगा आपको, थर्सडे रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, देखेंगे जैसा भी होगा। चलिए फिर, ओके बाय बाय, क्लोज कर रहे हैं आज के लिए।